उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर और आपको इन लोगों से रूबरू कराना चाहेंगे। ये उत्तराखंड के ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने आज अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग किया है और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अमुख जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तो इन्हीं के बीच चलेंगे, जानेंगे इनके क्या कुछ मुद्दे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड पे। धन्यवाद सर। मैडम अदिति जी, आप जो है उत्तराखंड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोगों ने मतदान का किया? मुद्दे तो हमारे बहुत सारे रहे थे सर, लेकिन बहुत खुशी हो रही कि आज मैंने मतदान पर्व में हिस्सा लिया। हमें हर साल ही करती हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को भी लेके आई थी और सब लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि मैं वोट दे सकती हूँ, तुम भी दो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दो, क्योंकि हमें भी अधिकार है अपने प्रतिनिधि चुनने का। तो मैंने तो अपनी भागीदारी निभा दी है, अब आप लोग भी निभाओ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी अपील आपने की है। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें ट्रांसजेंडर, चूँकि आप लोगों को समाज कई कुछ लोग हिकारत नजर से देखते हैं, कुछ लोग सम्मान नजर से देखते हैं, आपके क्या मुद्दे रहे इस बार वोट डालने? मुद्दे तो सर देखो, बीजेपी सरकार ने हमारे मुद्दे तो बहुत सारे 4-5 लॉ है जो हमारे लिए आए हैं और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम क्रिमिनल घोषित करे थे, वो चीज़ें भी हटाई है। और मैं जो पर्सनली काम करती हूँ वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना के तहत करती हूँ, तो मैं तो शुरू से ही बीजेपी के समर्थन हूँ और यही चाहते हूँ कि जो भी चुन के नेता आए वो हमारे जो भी हम जैसे एक मेल फीमेल को दर्जा दिया जाता है समाज में, मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, तो हमें भी जोड़ा जाए। हमें भी अपना अधिकार, वोट देने का अधिकार है, तो हमें भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, यही अपील करते हैं। बहुत अच्छी बात, हम और लोगों से भी जानेंगे आपने किन मुद्दों पर वोट किया है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं अनुष्का, देहरादून से लोकल किन्नर बच्चा, और हमने वोट दिया है आज। हमें बहुत अच्छा और खुशी महसूस हो रही है वोट डाल के और इसमें हिस्सा लिया है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी, सबको अपनी सरकार चुनने का हक है, हर किसी को। जैसे हमारा वोट भी, एक वोट कितना कीमती होता है सबको ही पता है। एक वोट से जीत भी जाता है बंदा, हार भी जाता है, हार जीत एक वोट पे निर्भर करती है। तो सबको अपना अपना राइट है कि अपना वोट कौन चुनेगा, किसको वो दिया जाएगा हक। मगर मैं चाहती हूँ जैसे सरकार सबके बारे में सोचती है, वैसे ट्रांसजेंडर बच्चों के बारे में भी सोचे। हम भी इस देश के, इसी भारत के बच्चे हैं, जैसे मेल फीमेल उनके लिए ज़्यादा खास है, वैसे हम भी उन्हीं का ही हिस्सा है, हम भी एक इंसान है। मैं यही पहुँचाना चाहूँगी इस। अच्छा ये बताइए, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? किसको सपोर्ट किया है? किस मुद्दे को, क्या मुद्दा आपके जहन में था वोट डालते समय? मेरे मुद्दा ये जहन में डालते समय किया है, आप लोग देख ही रहे हैं आजकल कितना मतलब मामला कितना फैला हुआ है। मेरी एक निशा चौहान करके किन्नर फ्रेंड है, उसको रजनी रावत द्वारा गुरुद्वारा उसको मारपीट करी है। इतने मिला के कानून व्यवस्था पे उठ, कानून को भी मैं करना चाहती हूँ और मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे तरफ भी ध्यान दें, हमें भी मतलब आज़ादी दिलाएं। सर आज़ादी मुख्यधारा से जोड़ने की बात है जिस पे वोट दिया, आपका वोट किस मुद्दे पे? सर पहले, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी, मैं सुमी राजपूत और मैं देहरादून से लोकल किन्नर बच्चा, और मैंने भी वोट किया है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि सब लोग वोट करें, जागरूक हो, अपनी सरकार चुने और सोच समझ करके वोट दें। और मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अभी किसी मुद्दे को सोच कर वोट नहीं दिया है, वैसे तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमें बीजेपी गवर्नमेंट की आड़ में एक जो है रजनी रावत गुंडागर्दी चला रही है, तो अभी मैंने उस मुद्दे को भी रखा है वैसे, तो अभी मैं ये नहीं बताना चाहूँगी कि मैंने वोट किसे किया, लेकिन मैंने हाँ वोट किया। चलिए ठीक है, वोट सभी का अधिकार है और किसी का कानून व्यवस्था मुद्दा है, किसी को मुख्य धारा से जोड़ने का मुद्दा है। आप लोग अच्छा शेष उत्तराखंड पे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं इस समय, उन जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनको कैसे अपील करेंगे, जरा अपने शब्दों में अपील करेंगे सभी लोग वोट डालें? मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपनी सरकार चुनने का सबको हक है, तो सब लोग वोट डालें, सब लोग वोट डालें और जरूर डालें। और हमें ये समझ के ना करें कि ये किन्नर है तो ये इंसान नहीं है। मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ, हमारे वोट से भी वो बंदा जीत सकता है, सरकार आ सकती है, हमारे भी कम से कम वोट होंगे। यही संदेश देना चाहूंगी कि सब लोग, जैसे अगर हम किन्नर होके वोट डालने आ सकते तो आपको मेल और फीमेल है, आपको तो हमसे ज्यादा अधिकार है, तो आप लोग भी आइए और वोट डालिए और अपनी सरकार चुनिए। मैं भी वोट डालने हुई अपनी कम्युनिटी को लेकर, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी करें, वोट डालो और अपना मत दो, जिस प्रत्याशी को भी चुनना है अपना अधिकार है। तो देखा आपने, ये ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है जो मुख्य धारा से जुड़ने को लेकर इनकी इनके मुद्दा है, जो इनको जोड़ेगा उसी का इनका मत जाएगा, और इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर्स जो समाज की मुख्य धारा से दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वो लोग आकर जब अपने मतों का
प्रयोग कर रहे हैं तो आम जन को भी वोट कास्ट करना चाहिए। तो शेष उत्तराखंड भी तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि जो लोग भी अगर वोट डालने अभी तक नहीं निकले हैं तो यही टाइम है कि निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।